वेलकम फ्रेंड्स, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहिए, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कृषि इनपुट अनुदान के लिए जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया जाएगा, कब से किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन, और किन किन जिलों के लिए आवेदन स्टार्ट किया जाएगा और किन किन किसानों के लिए किया जाएगा, वो पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और आपका क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस फॉर्म को फिल करने में, पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और कितने ज़मीन हैं आपके पास तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स कि कृषि इनपुट अनुदान, यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स कृषि इनपुट अनुदान योजना। तो यहाँ पर देख सकते हैं रवि मौसम के 4, 6 एवं 13, 15 तक 2020 माह में असमय वर्षा आदि ओलावृष्टि के कारण प्रभावित रबी फसलों के लिए अनुदान आवेदन। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स किन किन जिलों के लिए ये आवेदन स्टार्ट किया जाएगा, वो जिले का नाम हम बता दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं यह योजना केवल 23 जिलों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए सारे जिले का नाम बता रहा हूँ, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल के लिए मान्य है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 23 जिलों के लिए जो है सो ये मान्य है, 23 जिलों के किसान ये सब ये आवेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आवेदन केवल 23 जिलों के वैसे ही किसान कर सकेंगे जो फरवरी एवं मार्च माह में हुए फसल क्षति के लिए आवेदन नहीं किए थे, एवं वैसे किसान जिनका आवेदन फरवरी एवं मार्च महीने में बिना ओटीपी के कारण विभाग द्वारा रद्द किया गया था और वो आवेदन करने में वंचित हो गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यही व्यक्ति आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो फरवरी एवं मार्च महीने में जो क्षति हो उनके फसल की, वही व्यक्ति इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फरवरी और मार्च में उनका जो फॉर्म फिल कर रहे थे और उनका ओटीपी नहीं जाने के कारण उनका फॉर्म जो है रद्द कर दिया गया था, तो वही व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनका ओटीपी के कारण उनको फरवरी माह में जो ओटीपी के कारण जिन किसानों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, वो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नीचे आते हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स आवेदक को आवेदन देने के लिए ओटीपी उसके पंजीकरण मोबाइल पर भेजा जाएगा जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। ओके फ्रेंड्स, तो इस ओटीपी को आप ही के मोबाइल पर भेजा जाएगा, इस ओटीपी को किसी को बताना नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर एक पे फ्रेंड्स बता रहा है आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें, अन्यथा आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबंधित कृषि समन्वयक को जांच हेतु अग्रसित हो जाएगी और संबंधित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। तो ये फॉर्म जब आप फिल करेंगे, ओके फ्रेंड्स, तो आप देख लेंगे कि सारा जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम भी आप देख लेना आपको कि मैं जो सारा डिटेल्स भरा हूँ उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो सारा डिटेल्स देख के उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना, अगर बाय चांस त्रुटि हो गया, सबमिट हो गया फॉर्म, तो 48 घंटा आपको टाइम दिया जाता है कि 48 घंटे के अंदर आप लोग सबमिट होने के बाद भी इसको सही कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दो नंबर में यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर 494 डिसमिल भूमि तक के लिए दे हैं। तो आपके पास देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास अधिकतम जमीन जो है सो 2 हेक्टेयर 494 डिसमिल जिनके पास होगा। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक आप कर सकते हैं, उससे कम जितना भी हो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 2 हेक्टेयर 494 डिसमिल तक आपका जमीन अगर है तो उस उतना तक कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कृपया आवेदन में किए गए सुधार को पुनः जांच लें, एक बार सुधार अपडेट होने के पश्चात दोबारा सुधार संभव नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार अपना जो सुधार है, सुधार कर रहे हैं उसको भी एक बार देख लें, अगर एक बार सुधार
करने के लिए आप लॉगिन कर दिए उसमें, तो उसके बाद दोबारा सुधार करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 48 घंटे के अंदर एक ही बार आपको सुधार करने का मौका दे रहे हैं। अगर एक बार सुधार करने में भी आप गलती कर दिए तो फिर दोबारा आपको सही करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स नीचे आते हैं, तो नीचे देख लीजिए फ्रेंड्स, 4 नंबर में क्या लिखा, किसान का प्रकार, स्वयं भूमिधारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए LPC, जमीन रसीद, वंशावली, जमाबंदी, विक्रय पत्र, वास्तविक खेतिहर के स्थिति में स्वर घोषणा प्रमाण पत्र तथा वास्तविक खेतिहर स्वयं भूमिधारी के स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ साथ एवं घोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। स्वयं घोषणा पत्र प्रमाण पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको सारा देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्वयं जमीन रहना चाहिए आपको भूमि के, तो यहाँ पे देख सकते LPC जमीन रसीद जो होता है, एक LPC जमीन का रसीद, वो आपको अपने कहीं भी जमीन का रसीद निकलवाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, LPC का रसीद निकलवाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। आवेदन कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की प्रविष्टि करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर अंकित हो, रजिस्टर्ड हो, और आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ही उसी आधार नंबर से और उसी मोबाइल नंबर से इस पर रजिस्टर्ड करें। ओके फ्रेंड्स, रजिस्टर मोबाइल नंबर कोई अगर अदर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक में अकाउंट मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और आधार लिंक होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है CSC। जब चालू होगा फ्रेंड्स, तो आप CSC सेवा केंद्र अगर आप चलाते हैं, CSC सेवा केंद्र से आप सेंटर से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप जनरल एक यूजर हैं तो जनरल यूजर से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नीचे आते हैं, नीचे आते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी बताना नहीं चाहूँगा, जब ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो व्यक्ति फरवरी या मार्च के महीने में जिनको OTP के बिना या उनका रिजेक्ट कर दिया गया था फॉर्म, उनके लिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं पेपर में जो है उनका पेपर का कटिंग दिखाना चाहूँगा। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ उस पेपर कटिंग को। जो व्यक्ति फरवरी या मार्च में ऑनलाइन जिनका रिजेक्ट कर दिया गया था OTP के बिना, रिजेक्ट कर दिया गया तो OTP नहीं जा पाया उनके फ़ोन में, उसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म, तो उन लोग के लिए एक अवसर दिया गया है। योजना से वंचित किसान फिर से कर सकेंगे आवेदन। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ, अब तक 37,86,000 रुपये किसानों के खातों में भेजा गया है। जो आवेदन नहीं कर पाए हैं या आवेदन प्रविष्टि हो गया है उनके लिए 4 मई से आवेदन के लिए खुलेगा पोर्टल। ओके फ्रेंड्स, तो जिन और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्च में 13,20,558 किसानों ने दिया आवेदन। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, 4 मई से स्टार्ट होगा इसका ऑनलाइन आवेदन, तो आप 4 मई से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोग को जैसे ही स्टार्ट होगा आवेदन 4 मई को, मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे इसको फॉर्म को फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, सारा डिटेल्स मैं आप लोग को बताऊंगा, तो उससे पहले बताना चाहूँगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।